बिहार के प्राथमिक और मध्य स्कूलों में चल रहे मध्याह्न भोजन योजनाओं को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। अब राज्य के 70,000 से अधिक प्राथमिक मध्य स्कूलों में बच्चों को अब मध्याह्न भोजन स्टील के बर्तन में दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर दिया गया है। दरअसल मध्याह्न भोजन योजना में शुरुआती दिनों में टीन के बने बर्तनों में बच्चों को भोजन परोसा जाता था, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जाते थे। लेकिन अब इसके बाद केंद्रीय अध्ययन में यह बात सामने आई है कि टीन में भोजन खाना स्वास्थ्य के लिहाज से उचित नहीं है, और अब इसी को ध्यान में रखते हुए स्टील के बर्तनों को खरीदने का आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार वर्तमान में बिहार में 62,700 से अधिक स्कूलों में स्टील बर्तन की खरीदारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही शेष स्कूलों के लिए खरीदारी की जा रही है। दरअसल 8 जिलों में यह खरीदारी शुरू की जा चुकी है। खरीदारी की टाइम लाइन 31 मार्च की निर्धारित की गई है। बिहार में मध्याह्न भोजन के निर्देशक सतीश चंद्र झा ने बताया है कि स्टील के बर्तनों की खरीदारी शुरू कर दी गई है। टीन का भोजन स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है, लिहाजा नए आदेश के मुताबिक 31 मार्च तक स्टील के बर्तन सभी जिलों में खरीद लिए जाएंगे। बिहार में मध्याह्न भोजन की खरीदारी ऑनलाइन मोड में भी की जा रही है। इसमें बिहार देश में अव्वल है। बिहार में मध्याह्न भोजन सामग्री खरीदारी में एक भी रुपए का भुगतान नगद नहीं किया गया है। 28 फरवरी 2021 से मध्याह्न भोजन के लिए समूची खरीदारी ऑनलाइन मोड में करने के लिए कहा गया था। पहले सभी सामग्रियों को खरीदी नगद भुगतान के जरिए होती थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले कि राज्य को करीब 10 साल बाद मिड डे मील के लिए केंद्र से 109 करोड़ की राशि मिली है। इस राशि में से स्टील के बर्तन खरीदे जा रहे हैं। एक अन्य आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मध्याह्न भोजन के संदर्भ में पूरी खरीदारी ऑनलाइन मोड में करने का निर्देश पूरी तरह पालन किया जा रहा है। बता दी कि इस संबंध में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्याह्न भोजन सामग्री खरीदारी में बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है। तो अब मिड डे मील में बच्चों को टीन के बर्तन में नहीं बल्कि स्टील के बर्तन में भोजन परोसे जाएंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।